संडे है, रिलैक्स कर रहा था, जैसा भी खाना खा के हो गया है। टाइम हो रहा है 12:50। जो सामान पड़ा है वो शिप का ही है, पहला ट्रीटमेंट प्लांट का। तो चलो संडे आपको शिप घुमा के लाता हूँ, आई मीन डेक पे। तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जब हम कोल लोड कर रहे थे, तब पूरा ब्लैक हो गया था यहाँ पे, और अभी हमने वॉश कर लिया है शिप। एकोमोडेशन वेदर बहुत अच्छा है, इसके लिए मुझे चांस मिला है टेक पे आने का। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वेदर रफ होता है या फिर ज़्यादा विंड होता है, तो उसके वजह से मैं शूट करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज विंड ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ ही नहीं आएगा आप तक। लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पे शूट किया था, लेकिन तभी हम एंकर पे थे, बट अभी हम लोग हैं सेलिंग में। तो आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जैक्टली ये फॉक्सल से कैसे दिखता है। विंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसके पहले वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो, ये पूरा ब्लैक था बिकॉज ऑफ कोल। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना आपको ये व्यू कैसा लगा, ये क्लाउड्स, ये पूरा होराइजन कैसा लग रहा है आपको, ये पूरा व्यू। तो दोस्तों आपको पता ही है हम लोगों ने कोल लोड किया है कोलंबिया में, और वो हम कहाँ लेके जा रहे हैं पता है आपको? नहीं पता है, हम बेल्जियम लेके जा रहे हैं। एंड बेल्जियम इज फेमस फॉर इट्स बेस्ट बियर। सरगो ही इज फ्रॉम जॉर्जिया, ही टोल्ड मी दैट बेल्जियम यू विल गेट अ बेस्ट बियर। तो प्लान बन चुका है, अगर वहाँ पे शोरली हुए तो मैं बाहर जाके अलग अलग बियर ट्राई करने वाला हूँ, ऑल्सो फूड और शॉपिंग का भी देख लेंगे। For your information, I have completed 5 months on this ship. और 5 महीने बहुत अच्छे गए time पे, मतलब बहुत अच्छे गए without any accident. Next 2 months hopefully अच्छे जाएंगे. And आप please एक बार comment कर दीजिए कि आपको मेरे videos कैसे लगते हैं। अभी मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ देखते हैं। तो चलते हैं पूप डेक।
तो संडे को मैं ही घूमने के लिए नहीं आया हूँ। पीटर भाई ये भी घूम रहे हैं, खाना पीना खा के हो गया, मूवी देख रहे थे रॉन्ग टर्न, लाइट बंद करके रॉन्ग टर्न, हाँ वही लाइट बंद करके टीवी रूम में। टीवी रूम देखा है आपने? नहीं देखा है, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। कुछ नहीं है, चलो मैं आपको फूड डेक पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बहुत आवाज़ होता है पीछे, बिकॉज यहाँ पे फनल डेक है। तो ये है फूड डेक, यहाँ पे शिप खत्म हो जाती है, यहाँ पे प्रोपेलर। फनल इट मीन्स एग्जॉस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। कोलंबिया से बेल्जियम जाने के लिए हमको 11 दिन लगने वाले हैं, अभी 7 दिन हो चुके हैं, मतलब और 4 दिन बचे हैं, और उसके बाद मैं आपको बेल्जियम घुमाऊंगा। दूर दूर तक ना कोई बंदा ना किसी बंदे की परछाई, ना कोई ट्रेन ना कोई गाड़ी।